नमस्कार, खासखबर.com में आपका स्वागत है। राजस्थान में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है और उसी के लिए लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं राजस्थान बेरोजगार युवा एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव। तो ये लड़ाई कितनी लंबी है और कहां तक चलने वाली है, आज हम उन्हीं से बात करेंगे। तो उपेंद्र जी, ये लड़ाई कितनी लंबी है और कहाँ तक चलने वाली है? देखो, ये लड़ाई तो पूरे देश की लड़ाई है, प्रदेश की लड़ाई है, युवाओं के सपनों की लड़ाई है, पेपर लीक माफियों से लड़ाई है, नेताओं की तानाशाही से लड़ाई है। और ये लड़ाई जब तक चलती रहेगी जब तक युवा बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल जाए और पारदर्शिता के साथ भर्तियां ना हो जाए। पहले हम लगातार संघर्ष कर रहे थे, हर जगह युवा आक्रोश महारैली निकाल रहे थे और सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे थे कि पेपर लीक माफियों से राजस्थान के युवाओं को बचाया जाए। लेकिन अब सरकार का बजट आया, बजट में ये कहा गया था कि युवाओं के लिए बजट समर्पित होगा और युवा बहुत खुश थे, मैं भी खुश था, हर युवा खुश था और ये देख रहे थे इस बार स्पेशल कुछ होगा युवाओं के लिए। और उस दिन सारे युवा घर पे बैठे बैठे टीवी देख रहे थे कि मुख्यमंत्री जी अब स्पेशल कुछ बोलेंगे। लेकिन बजट में 30,000 सफाई कर्मचारियों के अलावा और भर्ती की घोषणा नहीं होनी चाहिए। युवा हताश थे, परेशान थे, दुखी थे। मुझे बड़ा झटका लगा, मुझे इसलिए झटका लगा कि 5 दिसंबर को चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग होती है, उसमें कहा जाता है कि विभिन्न भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी जल्द जारी की जाएंगी, बजट के बाद की जाएंगी। 7 दिसंबर को डीएफपी सेक्रेटरी के साथ मीटिंग होती है, 15 दिसंबर को बीकानेर निदेशालय के निदेशक आईएएस अधिकारी गौरव अग्रवाल जी के साथ और अन्य आदेश अधिकारी के साथ मीटिंग शिक्षा संकुल में होती है और सीएमओ में लगातार अलग अलग विभागों से हमारी मीटिंग होती है और उसमें स्थिति स्पष्ट होती है, कई भर्तियों पर सहमति बनती है कि इस बार ये भर्तियां निकाली जाएंगी। चाहे वो संस्कृत विभाग की कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती जिसका कैडर बनकर नियम संशोधन जो कैबिनेट से अनुमोदन होना था, वो कई ऐसी भर्तियां थी, चाहे पहली बार चतुर्थश्रेणी कर्मचारी एमटीएस के माध्यम से वो आनी हो, तो हमें लगा कि इस बार 1-2 लाख पदों पर भर्ती आएंगी। लेकिन भर्तियों की घोषणा नहीं हुई तो अवसाद में युवा चला गया, मुझे भी झटका लगा। तो मैंने उसी दिन 10 तारीख को ही मैंने घोषणा कर दी कि जब तक मुख्यमंत्री जी या राज्य सरकार के द्वारा ये बयान नहीं आ जाता कि हम भर्तियां निकालेंगे, क्योंकि बयान पहले आया ही नहीं तो युवा अवसाद में था, तो मैंने घोषणा कर दी थी कि मैं अन का त्याग करता हूं। आज 6 दिन हो चुके, मैंने अन का त्याग कर रखा है और आज हमने प्रदर्शन करके गुहार किया कि कल मुख्यमंत्री जी बजट का रिप्लाई पेश करेंगे, उसमें भर्तियों की घोषणा करें, जैसे विभागों में वो जवाब देंगे विभाग वाइज तो उसमें घोषणा करें, क्योंकि हर विभाग में पद खाली है, अलग अलग विभागों में पद खाली है। पहली बार चतुर्थश्रेणी कर्मचारी की भर्ती नहीं आई, हजारों पद के लाखों पद खाली उसमें निकाले, पुलिस कांस्टेबल के 10,000 से ज्यादा पद खाली है, एसआई के पद खाली है, कर्षि प्रेक्षक के जो 1,000 से ज्यादा पदों पर हम भर्ती निकालने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि कर्षि प्रेक्षक के पद आएंगे तो किसान भी मजबूत होगा। इसके अलावा पशुधन सहायक है, इसके अलावा अलग अलग विभागों में मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि युवा मेरे से जुड़े हैं, बताना जरूरी है। पंचायत जैन भर्ती राष्ट्र कनिष्ठ अनुदेशक संगणक स्टोनोग्राफर LDC RS स्कूल व्याख्याता सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड PTI लाइब्रेरियन प्रयोगशाला सहायक ECG नेत्र सहायक प्रोग्रामर अयन जैन दंत चिकित्सक कॉलेज शिक्षा PTI लाइब्रेरियन सहायक कृषि अधिकारी DLB में LDC सैनिटरी इंस्पेक्टर PRO APRO मेडिकल ऑफिसर मेडिकल विभाग में सूचना सहायक ऑटो टेक्नीशियन विद्युत विभाग में अयन जैन जूनियर अकाउंटेंट LDC टेक्निकल हेल्पर छात्रावास अधीक्षक जलदारी पटवारी चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की जलदाई विभाग में जो पहले बजट में थी वो इस बजट में घोषणा किया, संस्कार मांग में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड कंप्यूटर अनुदेशक PTI लाइब्रेरियन। इसके अलावा साइबर क्राइम एड्रेस साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर की हम लगातार मांग कर रहे हैं। और इसके अलावा जो पिछले बजट में जो पहला बजट था सरकार का 2019 में पंचायत जैन भर्ती 2100 पदों पर की थी घोषणा, वो आज तक पूरी नहीं हुई। कनिष्ठ अनुदेशक दंत चिकित्सक 480 पदों पर और जलदाय विभाग में 1300 पदों, वो भर्ती अभी पूरी नहीं, उसकी भी हम मांग कर रहे हैं। एक जो पेपर लीक वाली जो सबसे बड़ी समस्या, मैं अभी देख रहा था उत्तराखंड सरकार ने क्या किया कि वहां उन्होंने कह दिया जो भी पेपर लीक का दोषी पाया जाएगा उम्र कैद की सजा का प्रावधान कर दिया और 10 करोड़ के आर्थिक दंड का प्रावधान करते, तो राजस्थान में भी ऐसा लागू करना चाहिए। और जब तक कानून आए, जब तक राजपाशा राजसुखा हमारे पास है, तत्काल आगामी भर्ती परीक्षाओं को बचाने के लिए सरकार लागू करे और प्रदेश के बेरोजगार को प्राथमिकता दे। और हाल ही में हमने 7 फरवरी को RPSC के सामने आंदोलन किया तो वहां पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है, वसूली की जाती है, तो उस सिविल लाइन थाना इंचार्ज दलवीर सिंह उस फौजदार को तुरंत निलंबित करने की हम मांग करें। इन 4 प्रमुख मांगों के आज हमने मोर्चा खोला और आंदोलन किया है। उपेंद्र जी, मुख्यमंत्री जी ने बजट में कहा है कि 1,42,000 पदों पर हम भर्ती कर चुके हैं और 1,18,000 करीब प्रक्रियाधीन है और आने वाले समय में और हम भर्ती करने वाले हैं, तो इसमें आपका क्या मानना है कि मुख्यमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं? देखो, मुख्यमंत्री जी सच बोल रहे हैं, 1 लाख से ज्यादा पदों पर भर्तियां पर ज्वाइनिंग दी और 1 लाख से ज्यादा फोर्सेज में। मैं धन्यवाद दे रहा हूँ ना, मैंने कभी भी किसी बात के लिए मुकरा नहीं, अच्छा काम किया, पूरे देश में सबसे ज्यादा भर्ती आई। लेकिन राजस्थान में पेपर लीक का जो दंश राजस्थान का युवा झेला, पेपर लीक हो रहा है इसे राजस्थान का युवा दुखी है, तो पेपर लीक मुक्त राजस्थान की हम मांग कर रहे हैं। और जो सभी विभागों में पद रिक्त हैं,
जिसमें भर्ती आनी है तो उसकी घोषणा राज्य सरकार करे, हम ये मांग कर रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ कल भी हमारी सीओमओ में अधिकारियों से वार्ता हुई थी, वो कह रहे कि सीएम साहब तक बात पूछाएंगे तो हम घोषणा करवाएंगे। तो उम्मीद करते हैं, आज भी प्रदर्शन किया, शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया, उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री जी कल रिप्लाई देंगे, अलग अलग विभागों को रिप्लाई देंगे, शायद उसमें घोषणा कर दे, क्योंकि 2 से 3 लाख पद खाली है, तो जहां आशा होती है वहीं तो मांगा जाता है। तो पूरी उम्मीद है कि प्रदेश के बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाएगी, भर्तियों की घोषणा की जाएगी और पेपर लीक मुक्त राजस्थान भी बनाया जाएगा। उपेंद्र जी, किसी भी सरकार के लिए संभव है कि सारे खाली पदों पर वो भर्तियां कर दे? देखो, जब हम संस्कृत विभाग में कैडर बना रहे अलग से कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लिए, पहली बार आएगी तो पद पहली बार ही तो वहां लगाए जाएंगे। जैसे साइबर क्राइम बढ़ गया तो साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए पद खाली है। अब जब नई ग्राम पंचायत या जो हर जगह जो पशु केंद्र खोल रहे हैं, तो वहां जब आप नए नए ग्राम पंचायत पशु केंद्र खोल रहे, जगह तो खाली हो ही नहीं ना, आप उनके कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जैसे फर्स्ट ग्रेड के भी शिक्षकों के पद खाली है, सेकंड ग्रेड के जो रिक्त पद है जिनकी आवश्यकता है, जिसके लिए लोग सड़कों पर आ रहे थे, उसकी वो मैं पदों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं। और हम तो ये कह रहे हैं कि पहले बजट की मांग अधूरी है, जो घोषणा की उनको पूरा करना चाहिए। तो हम ये कह रहे हैं कि सरकार ने वादे किए, सरकार ने, आपने भी देखा होगा, आपने भी चलाया है, सरकार ने कहा था युवाओं को समर्पित बजट होगा, तो कुछ दिखा इसमें युवाओं को समर्पित बजट? क्या युवा बेरोजगार मांग कर रहे थे, युवा बेरोजगार छात्र संघ आयोग बनाया, बनाया, प्रदेश के बेरोजगारों को प्राथमिकता देने की मांग कर रही थी, बनवाई, हमने कहा कि इनका उम्र कैद की सजा का प्रावधान करो, वो नहीं किया, 1 लाख से ज्यादा पदों पर भर्ती घोषणा को वो नहीं की। तो वो मांग हम वो वाजिब मांग कर रहे हैं जो सरकार को करना चाहिए। उपेंद्र जी, दो सवाल है, एक तो कि क्या सजा का प्रावधान होने से ये सारी समस्याओं का हल हो जाएगा, दूसरा आप बेरोजगार छात्र संघ आयोग के गठन की मांग कर रही है, तो उसका क्या उद्देश्य रहेगा, उससे क्या युवाओं को फायदा होने वाला? देखो, दोनों चीजों को मैं जवाब देना चाहूंगा। यदि युवा छात्र संघ आयोग बन जाएगा ना, तो ना उपेंद्र यादव की आवश्यकता पड़ेगी, ना राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की आवश्यकता पड़ेगी। मेरा युवा सीधा जाने का अधिकार है कि नहीं, आज वो कभी आरपीएससी प्रदर्शन करेगा, वहां लाठियां पड़ेंगी, कभी कर्मचारी चयन बोर्ड प्रदर्शन करेगा, कभी बीकानेर करेगा, कभी अजमेर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सामने करेगा, कभी स्वास्थ्य भवन के सामने करेगा, कभी सचिवालय जाएगा, कभी हाईकोर्ट जाएगा। क्या उसको पढ़ाई करने का काम है या चक्कर काटने का काम है? जैसे आपने माटी कला बोर्ड बना दिया, आपने अलग अलग बोर्ड बना दिए, हर युवा बोर्ड बना दिया, आपने विप्र बोर्ड बना दिया, तो जो युवा सबसे ज्यादा वोट देने, जो जिताने में अहम भूमिका निभाता, वोट देता है, क्या उसका अपना भविष्य जाने का अधिकार नहीं है? हम चाहते हैं ये आयोग बने, उसका अध्यक्ष मैं तो चाहता हूँ किसी को बना दो, मैं तो लिखित में दे दूंगा स्टाम्प पे, उपेंद्र यादव नहीं बनेगा, उनके मन में लग रहा है कि उपेंद्र यादव इसलिए मांग कर रहा है अध्यक्ष बनना चाहता, मैं तो स्टाम्प पे लिखित दे दूंगा नहीं बनूंगा, मैं तो कमिटमेंट कर रहा हूँ, ये रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है ना, मैं नहीं बनूंगा। लेकिन आप किसी भी हमारे प्रतिनिधि को बनाए, जिससे क्या होगा, कोई भी युवा धरना प्रदर्शन नहीं करेगा, वहां प्रार्थना पत्र लगाएगा कि मेरी ये भर्ती का मामला है, उसका अध्यक्ष, संबंधित मंत्री, संबंधित अधिकारी उस प्रतिनिधि मंडल को बुलाए और सामने बैठे उसकी समस्या हल करे। उसको जाने का अधिकार है, भाई मेरा परिणाम जारी क्यों नहीं हो रहा, मेरी एग्जाम क्यों नहीं हो रही, मेरे आंसर क्यों जारी नहीं हो पा रही, मेरी ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो पा रही, मेरा दस्तावेज सत्यापन क्यों नहीं हो पा रहा, हर चीज के लिए हमें प्रदर्शन करना पड़ता है। आप रोज देखते होंगे कर्मचारी चयन बोर्ड का घेराव किया, क्यों किया, साफ परिणाम के लिए, साफ दस्तावेज सत्यापन के लिए, साफ ज्वाइनिंग के लिए, साफ न्यायालय में कोर्ट अटक गया। तो युवा जानने का अधिकार है, वो युवा किसी भर्ती का हो, अलग अलग दर्जनों भर्तियों के युवा बेरोजगार धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, तो कम से कम एक उनको माध्यम मिलना चाहिए, अपनी पीड़ा रख सके, अपनी बात रख सके, उसको डालने का अधिकार है कि मेरी भर्ती पूरी कब होगी। तो ये युवा बेरोजगार छात्र संघ आयोग बन जाएगा तो सरकार का पीछा छूटा कि नहीं छूटा, उपेंद्र यादव से बताओ सर, उपेंद्र यादव की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ना, बेरोजगार महासंघ की आवश्यकता पड़ेगी? उपेंद्र यादव तो ये चाहता है, यदि मेरा मेरी जगह कोई होता तो मांग करता क्या? वो कहता है यार चलो ठीक है, कम से कम मुझे, मैं इनकी आवाज उठा रहा हूं, मेरा नाम तो हो रहा है ना, मुझे नाम नहीं चाहिए, मुझे दुआ चाहिए, इनका काम होना चाहिए, मेरी युवा बेरोजगार को पीड़ा रखने का एक माध्यम चाहिए कि कहां बात रखे, इसलिए मैं आयोग की मांग करूं, पहला सवाल। दूसरा, आपने कौन सा सवाल पूछा था सर, जो गिरफ्तार करने से इनकी क्या पेपर लीक रुक जाएंगे? देखो, सजा के प्रावधान से क्या पेपर लीक की घटनाएं रुक जाएगी? बिल्कुल, आप देख लीजिए, मुझे अब आप बता दीजिए, कई सालों से पेपर लीक हो रहे, बीजेपी सरकार में भी हो, कांग्रेस सरकार में, इसमें 10 पेपर लीक हो गए। मैं सरकार से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहूंगा कि एक भी पेपर लीक माफिया को आज तक सजा मिली क्या? आसान शब्दों में कोई सी सरकार है कि हमने अपराधियों को पकड़ लिया, जेल में डाल दिया, अरे जेल में डाल दिया, वो छूट गया, फिर पेपर लीक कर रहा, फिर छूट गया, पेपर लीक कर रहा, युवाओं को सपनों को बेच रहा है, मुझे बता दीजिए एक को भी सजा मिली क्या? जब तक सजा नहीं मिलेगी, जब तक वो जेल के अंदर नहीं सड़ेगा, जब तक युवाओं को न्याय नहीं मिलेगा। आप उनको अंदर डालिए, उम्र कैद की सजा का प्रावधान करिए, बुलडोजर चलाइए जमीन पर, उसकी बिल्डिंग पर, उसकी कमर नहीं तोड़ोगे, उसमें डर स्थापित नहीं होगा जब तक ये लोग
पेपर लीक माफिया करने से नहीं चुकेंगे, इनको इनको पेपर लीक करते रहेंगे। आप सुरेश डाका खाए, सुरेश बिश्नोई कौन है? मुझे लगता है कि नेताओं का और पेपर लीक माफियों का गठजोड़ है, इस गठजोड़ को तोड़ना होगा। आप एसओजी नहीं कर पाए, सीबीआई को जांच करवाइए, क्योंकि कितने गिरोह है, कितने गिरोह है, नाम कहा आएगा? बोली कि साचौर जोधपुर। क्या जोधपुर की जनता खराब है? क्या क्या साचौर की जनता खराब है? ना जोधपुर की जनता खराब है, ना साचौर की जनता खराब है, ना बिश्नोई समाज खराब है। वहां कुछ अराजक तत्व है, वो किसी समाज से हो सकते हैं, वो भी दुखी है। आप जाइए पकड़िए, आप अभियान चलाए, सफाई करिए ना। आप बड़े बड़े आतंकवादियों को पकड़ लेते हो, बड़े बड़े गिरोह को पकड़ लेते हो, तो इनका इनको इनका सफाया करिए ना। आप अभियान चले, उनको डालिए जेल के अंदर, तो आपको सख्त कार्रवाई करनी होगी। अब इसमें कर्मचारी लिप्त पाए जाते हैं, कर्मचारियों को हम क्या करते थे, निलंबित, और वो घर बैठे आधी सैलरी देता है। क्यों भाई? उसको बर्खास्त करो और उसकी भी संपत्ति जब्त करो, कमर तोड़ी उसकी भी। इसके अलावा जो डमी अभ्यर्थी पकड़ा जाता, पकड़ लिया थोड़ी दिन बाद छूट गया, डमी अभ्यर्थी और जो मूल अभ्यर्थी, दोनों को डिबार करो, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो, उसको भी 5-10 साल के लिए जेल में डालो। ये सब एक्शन लेना होगा। जब तक अपराधियों में डर नहीं होगा, ये ऐसा ही करते रहेंगे भाई। डर तो उनमें स्थापित करना होगा। उपेंद्र जी, आप में जबरदस्त जोश है युवाओं को लेकर। अगर आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो इन समस्याओं को खत्म करने के लिए आपके पास क्या योजना है? यदि पहली बात तो एक चीज आपको बता दूं, मैं ये चाहता हूं मेरे सुझावों को मान लिया जाए, मैंने सुझाव दिया है, और यदि मुझे मौका मिलता है तो मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि माफिया को सफाया करने की जिम्मेदारी, मुझे पता है कैसे सफाया होगा, सफाया इनका जरूरी है, इनका सफाया हो गया, युवा बेरोजगार को भविष्य बच गया। तो मुझे प्राइवेट, आप हमारे पास कई ऑप्शन है जी, मैं आपको बता दूं, प्राइवेट नौकरियां के साथ साथ सरकारी जो हमारे पास कम है, मान लो नौकरियां सरकारी में क्या होता है कि मैं गांव का रहने वाला, कई लोग कहते हैं कि भैया सरकारी से ही क्या होगा, प्राइवेट भी करिए, प्राइवेट में शोषण होता है, वहां उनकी जॉब सिक्योर नहीं होती। लेकिन क्या होता है, एक हमारे क्या गांव में 10 लोगों का परिवार होता है, 10 में 4-5 लोग पढ़ाई करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति भी नौकरी लग जाता है तो एक परिवार 7 साल के लिए, कहते हैं 7 पीढ़ी का भला हो गया, समृद्ध हो जाता है। तो वो नौकरी भी समय पर नहीं मिलती है, तो पेपर लीक हो जाता है, या फिर क्या होता है, भर्ती अटक जाती कोर्ट में, तो वो पूरा परिवार अटक जाता है। या अब क्या है कि ये पेपर लीक से क्या लोगों में अविश्वास हो गया, लोग है ना युवा बेरोजगार, उनसे संपर्क करने लगे माफियों से, और वो भी गलत रास्ते में जा रहे हैं कि चलो मैं भी शॉर्ट में तैयारी करूंगा, क्या पेपर लीक हो जाएगा मैं भी खरीद लेता हूं, तो अपराध की दुनिया में वो भी जा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकारी क्षेत्र के साथ साथ आप एक्सपोर्ट करिए ना, आप मेडिकल में, आप विदेशों में कई आवश्यकता है, मेडिकल में नर्सिंग कर्मियों की कई आवश्यकता है, तो आप एक्सपोर्ट करिए। इसके अलावा हम लोग जिला स्तर पर ट्रेनिंग सेंटर बनाते हैं। हमें क्या होता है कि आपने देखा होगा कि मुझे कुक, ड्राइवर, नौकर, नर्सिंग कर्मी, कई स्किल डेवलपमेंट, कई लोगों को चाहिए। हमारे जो 7.5 करोड़ के करीब हमारी जनता है राजस्थान की, 7.5 है ना, इसके करीब हमारी जनता है, तो मुझे लगता है कि 50 लाख या 1 करोड़ के लोग ऐसे होंगे, परिवार होंगे, जिसको किसी को नौकर चाहिए, किसी को कुक चाहिए, किसी को नर्सिंग कर्मी चाहिए। हम रोज हम न्यूज़पेपर में सब जगह देखते ना कि वो गड़ा काट के भाग गया, नौकर वो कर गया, तो लोग दुखी है, बाहर के लोग आते हैं। हम लोग राज्य सरकार एक ट्रेनिंग सेंटर बना के कह दे कि भैया यहाँ से, इस ट्रेनिंग सेंटर से आप ड्राइवर ले सकते हो, कुक भी ले सकते हो, नर्सिंग कर्मी भी ले सकते हो, नौकर भी ले सकते हो, तो वो सरकार द्वारा दिया जाएगा, तो उनको ये लगेगा हाँ हम सुरक्षित है, ठीक है ना। और वहां हमारे यहाँ के लोकल लोगों की खपत भी होगी, ठीक है ना, कुछ की सरकारी में होगी, कुछ की प्राइवेट में होगी, कुछ का एक्सपोर्ट विदेशों में होगी, तो हम मिलकर एक प्लानिंग से काम करेंगे तो बहुत लोगों की खपत हो सकती है, बेरोजगारी दर कम हो सकता है। और दूसरी बात, आप जो नेताओं की पेंशन बंद करिए, युवाओं का परीक्षा शुल्क माफ करिए, युवाओं को सुविधा दीजिए, नेताओं को VIP सुविधा आप बंद करिए, कुछ जो नेताओं को VIP सुविधाएं भी बंद करनी पड़ेगी, उनका भारी खर्चा भी बंद करना पड़ेगा, और उस भारी खर्चा को युवाओं के भविष्य के लिए खर्च करें। युवा आगे बढ़ेगा तो प्रदेश आगे बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा, लेकिन नेता तो अपनी फीस के लिए अपने लिए सोचते हैं, कौन सोचता है। पेपर लीक हुआ बजट में, आप देख लीजिए 10 तारीख को बजट आया, युवाओं के लिए भर्तियों की जो घोषणा नहीं, कोई भी नेता बोला, बयान दिया, किसी ने यह कहा कि युवाओं के लिए बजट था कि भर्तियां क्यों नहीं निकाली, एक भी नेता का बयान नहीं आया। पेपर लीक हुआ, 2-4 दिन बोले कोई धरने में बैठा, आज मैं 6 दिन से अनशन पे हूं, मैं भूखा हूं, अन्न का त्याग कर रखा है, कोई भी सरकार, मैं कह रहा हूं चैनल पे बोलो, कोई भी मेरी जांच करवा लो। तो मेरा आपसे अगला सवाल यही है कि आप इतने लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, कोई राजनीतिक दल या कोई राजनेता आपके साथ खुलकर क्यों नहीं आ पा रहा है? अरे सर, आपने सवाल ही सही पूछा। मैंने 5 साल बीजेपी में संघर्ष किया, लाठियां खाई है, अब कांग्रेस में कर रहा हूं। स्थायी विपक्ष तो हम हैं, युवा हैं, कोई भी सरकारों में लड़ रहे हैं। कई लोगों को लगता है कि यार हम इनको साथ देंगे तो फिर हमारे आगे पता नहीं हमारे लिए सिर दर्द बन जाएगा,
कई लोगों को ये लगता है कि उपेंद्र यादव राजस्थान में किसी भी कोने में जाता है, ट्वीट करता है, लोग इतने बड़ी संख्या में पहुंच जाते हैं, हर जिले में जा रहा रैली कर रहा, इतने लोग कैसे आ रहे? यार ये आगे बढ़ गया, किसान का आम आदमी का बेटा आगे बढ़ गया, पॉलिसी मेकर बनाने वाला बन गया, तो हमारा क्या होगा? उनको डर लग रहा है कि ये व्यवस्था का परिवर्तन नहीं करते, ये किसान का आम आदमी का बेटा है, तो आपका आज ये गरीबों की सुन रहा है, तो ये लोग उनको डर अपना लग रहा है कि मैं खुला बोलता हूं, मैं क्या बोलता हूं कि किसी भी नेता ने आवाज उठाई पेपर लीक की, किसी नेता ने बजट में भर्ती की आवाज, क्योंकि उनको पता है मैं विरोध कर रहा हूं, उनको डर लग रहा है, उनके वोट काट रहे हैं, उनको नुकसान हो रहा है, क्योंकि युवा मेरी सुनते हैं, लाखों युवा मुझे चाहते हैं, जब मुझे, मैं एक राजस्थान का पहला ऐसा युवा होगा, जब भी मुझे जेल में डालते हैं ना, तो हर बार मुझे इंडिया में ट्रेन करा देते हैं, लाखों ट्वीट कहां से आ जाते हैं, क्योंकि राजस्थान के लाखों युवा साथ है, उनके माँ बाप की दुआ, उनका आशीर्वाद, उनका प्यार मेरे साथ है, जितनी बार मुझे जेल में डाला ट्रेन हुआ, और हमेशा बाहर आओ लड़ा हूं, सड़कों पर अधिकतर बाहर रहता हूं। तो राजस्थान में आप इतने पॉपुलर हो चुके हैं, तो आने वाले चुनाव में कोई आपका चुनाव लड़ने का इरादा है? मैं पिछले 11 साल से संघर्ष कर रहा हूं, और इस संघर्ष के दौरान 2 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरियां मिली है, परिवारों में खुशी आई है, 300 से ज्यादा आंदोलन है, 9 से 10 बार से ज्यादा मेरा अनशन है, दर्जनों मुकदमे दर्ज है, एक राज्य में नहीं, उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, 4 राज्यों में आंदोलन है, और दुआ के साथ साथ प्यार मुझे मिल रहा है। लेकिन यदि ये पेपर लीक नहीं रुके, युवाओं को न्याय नहीं मिला, युवा आवाज उठाई, लाठीचार्ज करते रहे, तो मैं नहीं, मैं पूरे राजस्थान को युवाओं के नेताओं के सामने चुनावों में एक मजबूती के साथ दीवार के रूप में खड़ा कर दूंगा, और कहूंगा कि अब लड़िए, हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, लड़ाई युवा वर्सेस नेताओं की होगी, और वोट की चोट करेंगे, जहां जिस कीचड़ में उछलना पड़े युवाओं के लिए मैं उतरूंगा। या आपको पता है, सबसे पहले सड़कों पर मैं सोता हूं, लाठी उपेंद्र यादव कहता है, जेल उपेंद्र यादव जाता है, अनशन उपेंद्र यादव करता है, जब भी कोई भी, सबसे पहले यदि कोई घटना होती सबसे पहले एक्शन लेता हूं, और सबसे पहले युवाओं के साथ खड़ा रहता हूं। तो ये मान लेंगे आपकी पॉपुलैरिटी और आपके संघर्ष को देखते हुए आप सरकार, सरकारों से और नेताओं से लड़ाई लड़ने के लिए आप अगला चुनाव लड़ने वाले हैं? देखो, कल किसने देखा, आज मैं सरकारों से लड़ रहा हूं, आपने नहीं देखा 19 नवंबर को मुझे जेल में डाल दिया एक फर्जी केस में, जिसमें न मेरा FIR में न चालान, कोई मतलब नहीं, जेल में डाल दिया, 10 दिन रखे है ना, लोग मेरे मकान के बाहर कई बड़ी बड़ी गाड़ियां जो पेपर, मुझे लगता है पेपर लीक माफिया के वो घूमते हैं, पता नहीं कौन सा षड्यंत्र दूसरा, मैं युवाओं की आवाज उठा रहा हूँ, पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठा रहा हूँ, बजट की जो मांग भर्ती घोषणा में आवाज उठा रहा हूँ, पता नहीं कौन से षड्यंत्र में अवैध हथियार कुछ भी गाड़ी में रख दे, मकान में रख दे, कुछ भी करके मुझे फंसा दे, जेल में डाल दे, तो कल किसने देखा, मैं आज पे हूं, और आज आज आप पता कर लीजिए, राजस्थान में 200 MLA है, और किसी भी कोने में जाके और MLA के बारे में नाम पूछिए, मुझे बता, मेरा नाम पूछ लीजिए, युवा प्यार करते हैं, सम्मान देते हैं, वो मेरा युवा अभिमान है, स्वाभिमान है, तो आज भी MLA से कम नहीं हुए, आज भी एक आवाज में युवा पहुंच रहे हैं, आज भी मंत्रियों से, मुख्यमंत्री जी सबसे वार्ता हो रही है, तो मैं, मेरे युवाओं के लिए जो लड़ रहा हूं, मेरे लिए बहुत कुछ है, मैं सौभाग्यशाली हूं युवाओं के लिए लड़ रहा हूं। और रही बात 2023 किसी ने देखा, लेकिन यह है कि जब तक मैं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ में हूं, जब तक मैं किसी भी पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं, मेरी पार्टी मेरी युवा है, उनके लिए लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा। तो ये थे हमारे साथ बेरोजगार युवाओं की आवाज बनने वाले उपेंद्र यादव जी, जिन्होंने 6 दिनों से अन्न त्याग दिया है, और ये त्याग तब तक जारी रहेगा जब तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इनकी बात नहीं सुन लेते। इस वीडियो को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए हमारी खास खबर .com की वेबसाइट www.खासखबर.com को लॉग इन करें।